करते हुए और शाहिद ने वो छक्का लगा दिया। ये ओ गुड शॉट और माशाल्लाह एक और भाई एक और चलाते हुए गुड शॉट और 6 रन। अस्सलाम वालेकुम वेलकम हो गया आप सब लोग एक नए व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस। इट वाज रियली नाइस कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना मजा आया। हम सब लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो आप ही लोगों के लिए खेलते हैं कि बस आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है। इसी तरह आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब किए, लाइक करें और शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात अपने कॉमेंट्स में आप ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को क्या और देखना का दिल करता है, किस तरह से हम खेलते हैं। बहुत प्यारी बात बोली है मुझे ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेक्ट करके बताएंगे नहीं कि व्हाट डू यू गाइस वांट, तो मैं आप लोगों को वो शायद वो चीज़ ना दे पाऊँ। बट मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि इसके साथ साथ मैं कुछ और थोड़े से एडिशंस करता रहूँ। जैसे आज हम लोग के पास 2 नए डेब्यू प्लेयर्स हैं ना, एक का नाम उमर है और एक का नाम मेरे ख्याल में रेहान नाम है। तो लेट्स सी के कैसी परफॉर्मेंस होती है। रूल सेम रहेंगे, 4 ओवर का मैच होगा, 2 बॉलें कंसेक्यूटिव मिस की, आउट, ऊपर से लग के कैच हुआ आउट, साइड से लग के कैच हुआ आउट। सिंपल से रूल है, चीटिंग कोशिश करेंगे मिनिमल रखें, अंपायर न्यूट्रल रखें, लेट्स सी के क्या होता है। आज लगी है धमाकेदार इन्हें, बाकी लास्ट टाइम आप लोगों ने देख तो लिया, मुइज ने अपना नाम जो है प्लेटिनम प्लेयर्स में माशाल्लाह लिखवा लिया। लास्ट टाइम जो है वो गड़बड़ हो गई थी, लेकिन उससे लास्ट टाइम हाँ जरूर कुछ किया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस इंशाल्लाह ऐसे आपको एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से होलिया भी सही नहीं हो रहा, मेरा होलिया भी असल में जो ना खुद से मैं वो नहीं हूँ ना, मुतमईन नहीं हूँ अपने होलिया से ना। कैप्टन हमें पता लग गया है कि आज कौन वो 2 लोग हैं जो कैप्टन बनेंगे, वो एक है शाह भाई हैं और एक नुमान मजीद है। सिक्का उछाल लें, शाह भाई टॉस जीत चुके हैं, शाह भाई ने नुमान मजीद को बैटिंग दे दी। अभी पता लग जाएगी टीम आज हमने सेलेक्ट की है। मंसूरी साहब है हमारे साथ, बहुत ही प्यारे बॉलर हैं, शाहिद भाई हैं फास्ट बॉलिंग करते हैं, हमारे नए कोई हमारे ब्रदर आए रेहान शर्ट में, रेहान भाई ये हैं, और नोमी मेरा हम नाम नोमी जो है कोने पे खड़े हुए, कौन रही है और जो है मुइज और मुइज प्लेटिनम प्लेयर। और शाह भाई आप बता दें जल्दी से टीम। उस्ताद अली, शेख हमाद, इब्राहिम टाइगर और मेरा बेटा मुनीब और शाहिद भाई जो बैटिंग कर रहे हैं। शाहिद भाई अच्छा, शायद बहुत सारे चले जबरदस्त हमने पहली फील्डिंग ली है, तो बस कोशिश ये करेंगे कि 30 तक पे रोक लें तो अच्छा हो जाएगा। 30 तक का स्कोर ये है कि 6 से बल होता है, इंडोर के अंदर थोड़ा स्कोर करना मुश्किल होता है। हम बात तो देख लें, आज फुल चौकस बन के आए हैं, लॉन्डे की नाइकी की शर्ट ना आए हाय हाय, और ये लड़का बहुत पेलला है अभी तो, पता नहीं मैच में क्या करेगा। टीमिंग देख लिए, मैच स्टार्ट होने वाला है, जैसे ऐसा होता रहेगा उस वैसे ऐसे आपको इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो 2 टीमें, उन 2 टीमों के बारे में हम आपको पहले बताते चलें। एक टीम का कैप्टन शहनशाह, दूसरी टीम का कैप्टन नुमान मजीद हैं, और ये जो आपको लड़का नज़र आ रहा है बैटिंग पे, इसका नाम उमर है और इसने हमें आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और इनका डेब्यू है आज असल में ना। तो आज असल में 2 नए लड़कों ने ज्वाइन किया, उसके अंदर एक ये उमर और दूसरा वो एंड में बाउंड्री होने पे आपको नज़र आ रहे होंगे रेहान नाम है उनका ना। तो बहरहाल उमर ने बॉल टच की और पहला रन लेने में कामयाब हो रहे हैं। इस तरफ अब आ गए हैं नोमी, अच्छा जी नोमी बैटिंग पर हैं और बॉलर जो हैं वहाँ के कैप्टन शहनशाह हैं, और नोमी से बॉल मिस हो रही है अब, लेकिन एज़ पर रूल नोमी को दूसरी बॉल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर नोमी ने दूसरी बॉल मिस की तो इसको वापस आना पड़ेगा पवेलियन में, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह नोमी खेल लेंगे। और नोमी ने बॉल खेल ली और नोमी रन लेने में भी कामयाब हो गए, और इस तरफ दोबारा से उमर आ चुके हैं। जी हाँ उमर बैटिंग पर हैं और उमर का डेब्यू है, हमने आपको बताया है, और देखते हैं उमर क्या करते हैं। उमर ने बॉल खेल ली और लेकिन रन नहीं लिया, क्योंकि उस तरफ से नोमी ने उनको इशारा करके मना कर दिया था कि नहीं। अच्छा जी अब जी देखते हैं, ओवर ने बॉल खेल ली बड़े अच्छे से और उमर रन लेने में भी कामयाब हो रहा है, लेकिन और उमर मेरे ख्याल से पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, वहां पे क्या डिसीजन चल रहा है, उमर वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। शेख हमाद बॉलिंग पे आए और उनको फेस कर रहे हैं यहाँ पे उमर, नो सौ उमर और जी हाँ उमर उनको फेस कर रहे हैं, और अमाद ने जो बॉल करवाई है कुछ अजीबो गरीब किस्म की बॉल थी ये, इस बॉल के बारे में
अभी हमने कोई नाम इजाद नहीं किया क्योंकि ये आप देख सकते हैं फिर से क्यूट। अच्छा जी हमाद बॉल करवाते हैं और हमाद ने वाइट बॉल करवा दिया है दोबारा से। मोइस का कहना है कि हमाद ने आज शायद जिम ज़्यादा लगा लिया है इसलिए उनका हाथ सीधा नहीं है और फिर से बहुत ही बड़ी वाइट दी है इन्होंने। लेकिन हम मोइस को बताते चलें कि आज हमाद जिम गए नहीं है। अच्छा, जी हाँ जी आप हमाद से पूछ सकते हैं उन्होंने क्या किया आज, क्यों उनका इतना हाथ क्यों खुला हुआ है। नहीं नहीं अच्छा जी वहाँ से नोमी इस तरफ भाग गए लेकिन बीच में आके नोमी को इन्होंने इशारा कर दिया उमर ने कि वापस चले जाओ तो नोमी वहाँ पे वापस चले गए। अमाद दोबारा बॉल करवाते हुए और अमाद ने बॉल अच्छी बॉल करवाई और उमर से मिस हो रही है। जब अच्छा सिर्फ मिस नहीं हो बल्कि उमर आउट भी हो चुके हैं और उनकी जगह आए हैं इस टीम के की प्लेयर इनको प्लेटिनम का दर्जा दिया गया है और यह हैं मुइज। जी हाँ इन्होंने पिछले हफ्ते मैच ओपनर गए थे और फिनिशर भी यही थे। और अमाद की बॉल हमने जैसे कि आपको कहा था इस बॉल के बारे में टीम बिठाई जाएगी बाकायदा एक कमेटी टाइम होगी और वो कमेटी इस बॉल को दरियाफ्त करेगी कि इस बॉल का क्या नाम रखा जाए इस बॉल का। अच्छा अमाद ने साइड चेंज किए उनको ऐसा लग रहा है कि साइड चेंज करने से उनकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी तो चले देख लेते हैं वो अपनी इस ट्राविस में किस हद तक दुरुस्त हैं। बहुत बड़ी वाइट उन्होंने मारी है फिर से। अमाद ने 9 बॉल और वाइट दी है तो चलें देखते हैं। जी हाँ अमाद को मुइज ने दे दिया छक्का, मुइज ने मार दिया छक्का, मुइज ने दे दिया उनको छक्का। अमाद की बॉलें आज अजीबोगरीब किस्म की हो रही हैं। अमाद खुद भी परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है और इब्राहिम ने उनको जाके थपकी दी है और उनको कुछ समझा रहे हैं कि आप ये करें। आप उस तरफ देख सकते हैं अगर हमारे ये कैमरा मैन आपको दिखा सके। खैर अमाद दोबारा से बॉलिंग की जानेब आ रहे हैं और अच्छी बॉल कराई अमाद ने उसका मशवरा सुन के बॉल अच्छी करवा दी इब्राहिम के मशवरे से और आप देख सकते हैं। लेकिन अच्छा जी और हो गया लेकिन सही है ज़्यादा रन नहीं है रोक लेंगे अभी हम लोग कोशिशें करते हैं कि। अच्छा जी हम आज दोबारा बॉल करवाते हुए और मुइज उसको फेस कर रहे हैं और मुइज ने अच्छा जी मुइज बड़ा धुएंदार बैटिंग कर रहे हैं। ये मुइज की बैटिंग धुएंदार तो है लेकिन आज वहाँ से वो जो डेब्यू कर रहे हैं उनका नाम है उमर उन्होंने इनकी बॉल रोक ली। और अच्छा जी नोमी इस तरफ आ रहे हैं बैटिंग पे और बॉलर अब जो जा रहे हैं वो हैं अली उस्ताद अली बॉलिंग पे जा रहे हैं और अमाद आ रहे हैं कीपिंग पे। अमाद से हम बाद में पूछेंगे कि अमाद ने ऐसी बॉलिंग क्यों करवाई हैं क्या वजह हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। अच्छा जी अली अपनी पहली बॉल की जानिब दौड़ते हुए और नोमी ने बहुत प्यारा शॉट खेला लेकिन वो वहाँ से कैच कर लिया गया। नोमी ने अच्छा शॉट खेला था लेकिन खैर वो आउट हो गए हैं वो कैच आउट हो रहे हैं। और जी नोमी आपने अच्छा शॉट खेला लेकिन कैच आउट हो गए हैं आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कुछ तो कहते हैं हम जैसे कि आदिल की रिक्वेस्ट होती है कि जब वो खेलें तो आप उनको दूसरी तरफ से वो टियर कीजिए कैप्चर तो इसलिए हम उनको दूसरी तरफ से कैप्चर करेंगे। और बॉलर हैं अली और फेस कर रहे हैं आदिल। जी हाँ अली बॉल की जानिब दौड़ते हुए और आदिल ने ये ओ वाओ आदिल ने बहुत अच्छा शॉट मारा लेकिन वहाँ से इब्राहिम ने उसको फील्ड कर लिया। अच्छा अब आदिल के पास लास्ट ऑप्शन है आदिल को ये बॉल पर रन लेना ही लेना है इस बॉल पे रन लेना ही लेना है। और अली अपनी बॉल की जानिब दौड़ते हुए और आउट हो रहे। जी हाँ अम्मा मुई ज़रा पहुँचने में ज़रा सा उन्होंने सुस्ती दिखाई या कहना चाहिए कि उन्होंने जज नहीं किया था कि वो पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अली अपनी बॉल की जानिब दौड़ते हुए और अली ने बॉल कराई और शाहिद ने बड़ा अच्छा शॉट खेला
और वहाँ से इब्राहिम ने उसको फील्ड कर लिया और शाहिद जो हैं अपना मोबाइल उन्होंने रखा क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब कर रहा था और अली दोबारा से बॉल करवाते हुए और शाहिद ने वो छक्का लगा दिया। बॉल जो है कह रहे हैं कि नज़र नहीं आई है, ऑडियंस ढूंढ रही कि बॉल कहाँ चली गई है, नई बॉल की रिक्वेस्ट आई है, नई बॉल यूज़ की जा रही है क्योंकि वो बॉल मिली नहीं। अली बॉल करवाते हुए अच्छा जी जी हाँ गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, आपने सही कहा मोइज़, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। तो अली खैर बॉल करवाते हुए और शाहिद उसको फेस कर रहे हैं और बॉल जो है यार इस बॉल को हाइट या वाइड क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मुझे बॉल जी सही नहीं लगी, लेकिन खैर आप लोग डिसीजन मेकर हैं। लेग एम्पायर कौन है मुझे नहीं पता, लेग एम्पायर कौन है नोमी, लेग एम्पायर आप हैं अच्छा जी। उनके कैप्टन नुमान खुद आए हैं बैटिंग पर और अली ही बॉल करवा रहे हैं और अली ने बॉल करवाई और नुमान खेलने में कामयाब रहे और रन लेने में भी कामयाब हो रहे, अदील अपने ही बैट उसने पहुँच चुके हैं। लेग एम्पायर कौन है नोमी, नो ये उमर तुम हो, लेग एम्पायर तुम हो, लेग एम्पायर नहीं तुम नहीं हो अच्छा, नोमी खड़ा है ना, नोमी खड़ा है, नोमी आपने वो एम्पायरिंग करनी है याद रखिएगा। आज बॉलिंग अली भाई बहुत अच्छे करा रहे हैं, इब्राहिम आए हैं बॉलर और नोमी उसको फेस कर रहे हैं, इब्राहिम ने बॉल कराई और नोमी ने खेल भी ली और रन लेने में भी कामयाब हो गए और अदील आ गए। अच्छा जी अदील और इब्राहिम का कॉम्बो बहुत ही फेवरेट कॉम्बो है, लोगों का पसंद किया जाता है और देखें इब्राहिम बॉल करवाएंगे और अदील उसे फेस करेंगे। सॉरी हम अपनी जगह नहीं चेंज कर सके क्योंकि टाइम शॉर्ट था और अदील ने बॉल खेल ली इब्राहिम की और रन लेने में भी कामयाब हो गए, लेकिन नोमी पहुंच चुके थे, पहुंच गए हैं, अंदर हैं, अंदर पहुंच चुके हैं और नहीं पहुंच चुके हैं। अच्छा जी इब्राहिम बॉल करवाते हुए और नुमान उसको फेस कर रहे हैं और बॉल टच तो नहीं लेकिन रन लेने में कामयाब हो गए और अदील इस तरफ आ चुके हैं। तो हम अदील की रिक्वेस्ट पे जैसे कि अदील ने कहा था कि जब मेरी बैटिंग आए तो आप दूसरी साइड पे चले जाए करें, तो हम दूसरी साइड पे आ गए हैं, अदील को हम यहाँ से लेंगे और बॉल करवा रहे हैं, इब्राहिम फेस कर रहे हैं अदील, ये इब्राहिम की बॉल और अच्छा जी 37 रन हुए हैं और इब्राहिम ने ये बॉल कराई और अदील ने टच कर ली और बल्कि खेल भी ली और रन लेने में भी कामयाब हो गए और अब इब्राहिम को जो फेस कर रहे हैं वो हैं नोमी। अच्छा अब नोमी के लिए हमें दोबारा से साइड चेंज करनी पड़ेगी और इब्राहिम अपनी लास्ट बॉल की जानेब और नुमान उसको फेस करते हुए जो कि कैप्टन है और नुमान ने बड़ा अच्छा चौका लगाया, चौका है या छक्का है, चौका लगाया है बड़ा अच्छा। तो उसी के साथ ही मैच पहली इनिंग अपने अख्ताम पे पहुंची है। तो कैप्टन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, बॉयज़ ने अच्छा खेले, अब देखते हैं क्या भाई की टीम जो है होपफुली अच्छा खेलेगी, लेट्स सी हाउ वी गो। ओके जी इजीली मुझे लगता है 43 तो थोड़ा अच्छा स्कोर है इंडोर के हिसाब से, कभी कभी इंडोर के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा रन बन नहीं पाते तो स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, वरना 43 रन इज़ अ लॉट। कोई बात नहीं, कभी कभी किसी का बुरा दिन आता है, आज एक ओवर थोड़ा सा बुरा हो गया बट अदर देन दैट कोई ऐसी बात नहीं है, देखते हैं भाई क्या होता है इंशाल्लाह। काशिफ भाई थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कमेंट्री, जिसकी आप आवाज़ सुन रहे थे वो ये हैं काशिफ भाई। होली यानी टाइट लग रहे हैं शपाटर, इब्राहिम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, अदील भाई ने बहुत अच्छा खेला, नोमी भाई ने बहुत अच्छा खेला, लड़के ने बहुत अच्छा खेला और बाकी सब तो हैं। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक बंदा अच्छा ओवर कराता है एक बंदा बुरा कराता है, आज थोड़ा सा एक बुरा ओवर हो गया लेकिन कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तू ये तो सोचना कि बॉलें लग जा कहाँ कहाँ रही थी, कभी मेरा ऐसा होता है
पता होता क्या है, हाथ जो है ना हम लोग का इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं है यही यार। आज हाथ हाथ का मसला है मेरा, कल मैंने चेस्ट किया था जिम में तो इस वजह से मेरे पेन हो रहा है। ओहो लांडे फुल बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जरा एक एक वो तो कर दो। ओहो फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स। खैर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा तब हम जीतेंगे, क्योंकि 43 रन इज नॉट इजी टू कैच अप। अच्छे से करनी पड़ेगी बैटिंग। खैर अभी फिलहाल जो है ये रिहान है जिसका डेब्यू आज, ये रिहान भाई है और अपना एक ये उवैस भाई हैं, इनका आज डेब्यू है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आज साथ स्टार्ट किए इन लोगों ने हमारे, देखते हैं इंशाल्लाह कब तक चलते हैं। टीम में इनके भी अच्छे लौंडे हैं, शाहिद भाई हैं, मुइज है। हाँ शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई बैटिंग देखें, मुइज है, इनका टारगेट दिया, अच्छा कॉम्पिटेटिव मैच होगा, देखते हैं भाई बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि अच्छा स्कोर है। नोमानदा बॉलिंग करा रहे हैं और तूने लिया नहीं ओए भाई, शाहिद भाई की फील्डिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। ये नुमान भाई बॉलिंग करा रहे हैं, जोर है भाई, ये अच्छा खेल रहा है लग रहा है। हाँ अच्छा खेल रहा है लग रहा है, बना लेंगे। हाँ इसको हमने फुल कोयटा से मंगवाया है, चार और एक और चार, वहाँ पे लग रहा है अजील भाई की कमर में दर्द हो गया है, दो चार हो गए। रेहान रेहान बैटिंग पर है, रेहान भाई बॉलिंग करा रहे हैं। ओ शाहिद भाई के मुंह पे बॉल लगी है बहुत जोर से, कोई बात नहीं, ये रविवा बॉल करा रहा है और मुनीप, मुनीप ने भी अच्छा शॉट खेला है और ये और ये मिसफील हो गए, ये मुनी से पकड़ लिया लेकिन अच्छी थ्रो करी थी। नोमान भाई से थोड़ी सी मिस हो गई है, डजंट मैटर कोई बात नहीं चलता रहता है, और वैसे मुनीप था रनिंग पे। ये ओ गुड शॉट, वेल डन, एक और चार, एक और चार, जबरदस्त, एक ओवर 14 रन, थोड़ी सी जान वापस आई, थोड़ी सी जान जाती भी लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, शाह भाई की चेहरे पे भी खुशी की खुशी, शाह भाई को देख लीजिए बहुत अच्छा खेला बंदा उसका। चलें शाहिद भाई ओवर पर आ गए, दे रहे हैं शाह भाई को अपना नया शिकार नजर आ गया, ये लड़का है शाह भाई को लग रहा है कि अब ये जंगलों से बचाएगा। और ये शाहिद भाई ओवर, ओके ओके, कितने हो गए, एक बॉल 15 रन हो गए। शाहिद भाई का ओवर है और शाहिद भाई का ओवर नो डाउट मिस करने वाला है। गुड वो इसकी फील्ड अच्छी थी, देखा देखो रेहान भाग गए, नोमिनो आप पकड़ने की कोशिश की है, 3 बॉल 17 रन है, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है। हाँ जिस तरीके से स्टार्ट मिला है, एक तरह से पंप मिला है, अब लड़के हम लोग अगर चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल। शाहिद भाई अपनी तीसरी बॉल कराते हुए, गुड बॉलिंग, गुड की गुड फील्डिंग, ओवर में यही चाहिए कि शाहिद भाई के ओवर को ये लोग रोक लें अभी थोड़ा सा, क्योंकि शाहिद भाई के बाद जो दूसरे ओवर आएंगे उसमें मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वाइड बॉल, 4 बॉल 19 रन है, एवरेज अच्छा चल रहा है लेकिन इसमें एक बाउंड्री की कमी है, लेकिन शाहिद भाई के ओवर के अंदर बस विकेट भी ना जाए ना तो भी बचत हो जाएगी। गुड मुनीप, गुड रनिंग, गुड रनिंग, 5 बॉल 20 रन भाई, ये लौंडा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, और वो इन्हें के जो कभी कभी न्यू टैलेंट जो है वो माशाल्लाह रॉक करता है, और अच्छी खासी लड़के ने बाउंड्रीज खेलनी है भाई, और माशाल्लाह एक और भाई, एक और बहुत आला लड़के ने अपना काम पूरा कर दिया। ब्रो आपका क्या नाम है, रेहान, गुड बैटिंग यार, गुड बैटिंग, चलो हालांकि शाहिद भाई का मुश्किल ओवर होता है लेकिन लड़का खेल अच्छा रहा है, और इंडोर के अंदर मारना इतना इजी नहीं होता, क्यों मत अदील भाई आपने तीसरा ओवर कराने के लिए, गुड और गुड फील्डिंग शाहिद भाई की तरफ से, अभी तक विकेट एक भी नहीं गई है, जिन लोगों ने मैच स्टार्ट किया था वही खड़े हैं, दिस इज व्हाट इट मैटर्स। अदील भाई आ रहे हैं अपनी दूसरी बॉल कराते हुए, और गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, लेकिन ये है कि
9 मिनट थोड़ी सी मिसफील्ड की, बट ये है कि इट्स गुड। हाँ, दो बॉल है 27 रन, 43 टू विन है। वाइट बॉल, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल, 28 रन। आदिल भाई भी वैसे अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन लड़का बहुत आउट क्लास बैटिंग कर रहा है भाई, 4 रन माशाल्लाह। ये तो मुझे लग रहा है बैट को टच कर रहा है और बॉल चौका जा रहा है। ये वो वाली बैटिंग नहीं होती, वो जो एक बचपन में एक मूवी चली थी, कौन सी, वो बल्ले वाली, शाका लाका बुम बुम वाली, उसके अंदर वो बैट जो होता है वो अमेजिंग छक्का मारता है, वो बॉल लगाता है बॉल छक्का। गुड बॉलिंग भाई, आदिल भाई की गुड बॉलिंग, 4 32 रन मस्त है। छू के दौड़ कचरा, ए मैं इसको नहीं बोल रहा, लड़का तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लगान का डायलॉग है आदिल भाई अपनी बॉल कराते हुए, और छू के दौड़ गए भाई हमारे, माशाल्लाह गुड गुड भाई, गुड पार्टनरशिप। इतनी 33 रन 3 ओवर में, 33 एक ओवर में कितने चाहिए, 10 रन शावे, कितने, 10 रन शावे, 10 रन 533, वेरी गुड वेरी गुड। एंड मुनीब इज आउट, शावे इज गोइंग ऑन बैटिंग, अमाद अंपायरिंग, अमाद अंपायरिंग जा रहे हैं। मुनीब, मुनीब प्लेड रियली नाइस, यू गाइस मेड पार्टनरशिप ऑफ 34 रन्स, वेल डन मैन, वेल डन, थैंक यू। मोहित आए हमारे जो प्लेटिनम प्लेयर माने जाते हैं, कि अब इनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है, और हमारे दूसरे प्लेटिनम प्लेयर ने खेला अच्छा, और आ जा पहुंच गए, बहुत ही सफाई से पहुंच गए। नोमी ने अच्छी कोशिश की, नोमी बहुत तेज भागे, बॉल से भी ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहे थे नोमी, लेकिन बॉल जीत गई। कोई नहीं बॉयज, कोई नहीं, लेट्स गो। एक बॉल 35 रन, मोहित की दूसरी बॉल, ब्रो एक बाउंड्री चाहिए हमें। हाँ मोहित अपनी दूसरी बॉल कराते हुए, गुड शॉट और 6 रन। नहीं भाई लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है माशाल्लाह, दिस इज एबनॉर्मली गुड, आई वुडंट से जस्ट गुड, दिस इज एबनॉर्मली नाइस, बट अच्छा है यार, कभी कभी अच्छे शॉट देखने को और डेब्यू को रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है। अब बस हमने ला रही है भाई की, रैन भाई की। मोहित भाई अपनी तीसरी बॉल कराते हुए, और गुड बॉल स्लो वन कराई है मोहित भाई ने, बहुत प्यारी, जिसपे एक रन हो जाएगा बहुत प्यार से। 3 बॉल है 42, एक रन चाहिए। थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी सी फील्ड, 3 बॉल है 42 है, एक रन चाहिए, तो पीछे बाउंड्री पे आ गए हैं, वहां पे आगे शाह भाई हैं। 3 बॉल है 42, स्ट्रेटजी चेंज की गई है थोड़ी सी, और ये बहुत प्यार से माशाल्लाह मैच जो है वो टाई हो चुका है, और एक और रन, आउट, बाहर चली गई बॉल बाहर चली गई। अच्छा ओवर थ्रो का बाहर का नहीं है, ओके। 4 बॉल है 43, एक रन चाहिए जीतने के लिए, और लड़के ने बहुत प्यार से लगी नहीं बॉल, वरना ये आउट हो जाता, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग की है भाई, मैन ऑफ द मैच बताने की जरूरत नहीं है हमें, माशाल्लाह सिंगल हैंडेडली खत्म किया लड़के ने भाई, ब्रो बहुत ज्यादा। आप कुछ कहना चाहेंगे रेहान, फॉर द ऑडियंस दैट इज वाचिंग यू? यार आई ट्राइड माय बेस्ट, यस यू डिड, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये थे हमारे रेहान, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली माशाल्लाह बैटिंग पूरी करके पूरा मैच मुका दिया, यानी हमारी बैटिंग ही नहीं आने दी, अब इनको हम आखिर में बचा के रखेंगे ताकि हम थोड़ा बहुत खेल तो लें यार। पहला मैच काफ़ी इंटरटेनिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मैच गुजरा, किसी ने भी होशियारी करके चीटिंग करने की कोशिश नहीं की, फिर माशाल्लाह बहुत स्मूथ मैच गुजरा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अहमद और मैं आपके साथ ही थे, तो बस कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, कोई प्लेयर को आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके अलग से दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच काशी भाई फॉर द कमेंट। बस तो फिर ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।